Hello to everyone. Today we are going to start chapter number 4, exercise 4.1, page number 84. Chapter number 4 is multiplication. Today we will multiply a three digit number by one digit number without carry and with carry. Let's do one example. Ash you already know about ones tens and hundred place firstly we arrange a three digit number like this 313 put a multiplication sign that is a cross multiplication sign and the number विद विच यू हैव टू मल्टीप्लाई दी थ्री दिस थ्री डिजिट नंबर राइट डाउन डैट सिंगल डिजिट नंबर अंडर द वंस प्लेस हेयर ओके जैसे कि आपको पता है वंस टें हंड्रेड प्लेस का आपने थ्री डिजिट नंबर को अरेंज किया दैन पुट साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपने साइन लगाया देन जिस नंबर के साथ आपने इस थ्री डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है और सिंगल डिजिट को आपने वंस प्लेस पर लगाना है ओके देन ड्रॉ ए लाइन एंड स्टार्ट सॉल्विंग योर सम कीप इन माइंड वैन एवर यू स्टार्ट टू सॉल्व योर सम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड दैट इज फ्रॉम द वस प्लेस जब भी आप अपने ध्यान में रखना कि जब भी आपने मै सम्स करने हैं मैथ्स के आपने राइट साइड टू लेफ्ट साइड जाना है राइट right साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करना है मीन्स वंस प्लेस से आपने सॉल्व करना स्टार्ट करना है ये थ्री डिजिट नंबर्स हैं तो आपने थ्री स्टेप्स में अपनी मल्टीप्लिकेशन डन करनी है फर्स्ट स्टेप इज ये जो थ्री डिजिट नंबर है ये आपके पास मल्टीप्लिकेंट है ओके okay? ये है आपके पास मल्टीप्लिकेंट और ये सिंगल डिजिट नंबर आपके पास है मल्टीप्लायर ओके okay. सबसे पहले आपने इस मल्टीप्लायर को वंस प्लेस वाले डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है ओके okay. और यहाँ पे आपने आपके पास मल्टीप्लायर क्या है थ्री तो आपने थ्री का टेबल पढ़ के आपने उस चीज़ को सॉल्व करना है नाउ थ्री थ्री नाइन, पुट नाइन एज अ आंसर अंडर द वस प्लेस ओके देन सेकेंड स्टेप इज मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लायर दैट इज थ्री विद द टेंथ प्लेस डिजिट जो टेंथ प्लेस पर डिजिट है आपने इस सेम नंबर को टेंथ प्लेस वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है देन देर इज ए थ्री वन ज थ्री थर्ड स्टेप इज मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लायर मीन्स सिंगल डिजिट नंबर विथ द हंडर्ड प्लेस डिजिट जो हंड्रेड प्लेस पे डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है अगेन थ्री थ्री द नाइन राइट डाउन नाइन अंडर द हंड्रद प्लेस और ड्यूरिंग सॉल्विंग सम कीप इन माइंड स्टूडेंट्स आपने एग्जैक्ट प्लेसिस के नीचे ही आंसर लिखना है इधर उधर बॉक्सिस के इधर उधर आंसर नहीं लिखने ओके देन नेक्स्ट सेकंड इज इफ एनी टाइम इन द एग्ज़ाम द स्टेटमेंट इज गिवन लाइक दिस जब आपको स्टेटमेंट ऐसे दी होगी देन यू हैव टू फर्स्टली यू हैव टू मेक द सम सबसे पहले आपको उस स्टेटमेंट का सम बनाना है तो सम कैसे बनाना है फर्स्टली राइट डाउन द थ्री डिजिट नंबर लाइक दिस 122. Then put the sign of multiplication and write down the single digit number under the ones place digit from the right side. 4. Okay. Then start your sum from the right side from the ones place. Okay. Firstly, Multiply 4 with 2 that is on 1's place. 4 to the 8. Then multiply this digit with the 10's place. 4 to the 8. Write down 8 here. Then multiply this digit with the 100th place. 4 1's are 4. This is your answer. And keep in mind, this is a multiplicant, this three digit number, okay. This is a multiplier, and this is a product, okay. Next is मल्टीप्लीकेशन विद कैरी सेम लाइक एज शू हैव डन एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन की उसमें आपने कैरी वाले सम्स भी किए होंगे ठीक है सेम मैथड इज़ फॉलोड इन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन में भी सेम मैथड फॉलो करना है लाइक आपने फर्स्ट सम सॉल्व करना है वन हंड्रेड फोर्टी टू मल्टीप्लाई

ठीक है अगर इन केस अगर आपको डिक्टेट uh, करने में प्रॉब्लम आ रही है या ऑरली लर्न करने में प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन राइट द टेबल इन योर रफ वर्क आप रफ वर्क में उस टेबल को लिख सकते हो लाइक दिस सिक्स वन ज़ो सिक्स सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व सिक्स थ्री ज़ा एटीन सिक्स फोर ज़ार ट्वेंटी फोर सिक्स फाइव जै थर्टी एज आई नीड ओनली अप टू फाइव सो नो नीड टू राइट डाउन एट टेन ओके टेन तक लिखने की जरूरत नहीं है आप यहाँ से डिजिट देख लो आपको फाइव तक की जरूरत है और फाइव तक लिख ना कम टू द सम हेयर इज फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई दिस सिंगल डिजिट विद दान्स प्लेस डिजिट डेट इज़ टू सिक्स टू दुक यू कैन सी इन द टेबल लुक एट द टेबल सिक्स टू द ट यू कैन राइट डाउन हेयर ट्वेल्व कैन यू रिटर्न टू डिजिट नंबर हेयर नो एज ट्वेल्व इज अ टू डिजिट नंबर यू विल राइट टू हेयर आप यहाँ पर टू लिखोगे एंड टेक वन एज अ कैरी ऑन द टेंथ प्लेस और वन को आपने कैरी लेना है टेंथ प्लेस पर ओके then second step is multiply this multiplier six with tens place digit that is four जब so, four के साथ multiply करना है आप table में check कर सकते हो four जा twenty four तो twenty four again two digit number है ठीक है but keep in mind कि ये twenty four में आपने इस carry को भी add करना है ठीक है जब आप कैरी को ऐड कर लेते हो स्लाइटली उस पर लाइन लगा दिया करो सो दैट यू हैव क्लियर डैट यू हैव एड द कैरी ओके आपको क्लियर हो जाएगी आपने कैरी को ऐड कर लिया है लाइक दिस ट्वेंटी फोर प्लस वन इज़ ट्वेंटी फाइव राइडाउन द फाइव हेयर एंड टेक टू एज अ कैरी ऑन द नेक्स्ट प्लेस ओके नेक्स्ट प्लेस पे उसको कैरी लेना है देन थर्ड स्टेप इज मल्टीप्लाई सिक्स वनजे आपने सिक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो सिक्स वन सिक्स एंड एड कैरी सिक्स वन जिक्स सिक्स प्लस टू एट राइट डाउन एट हेयर लाइक दिस ओके एंड योर आंसर इज एट हंड्रेड फिफ्टी टू स्टूडेंट्स आपने जब भी अपने ये मल्टीप्लीकेशन किस परपज़ के लिए है कि जब आपके साथ आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं ठीक है आपने उन नंबर्स को ऐड करना है ठीक है लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगे आपकी एडिशन करने में तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में फ़ोर हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं तो ईच हैव टू पेंसिल्स सबके पास टू पेंसिल्स हैं तो आपने सबके पास जब काउंट करना स्टार्ट करोगे फोर हंड्रेड स्टूडेंट्स के पास के टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू टू इट टेक्स टू मच टाइम तो आपने सिंपली क्या करना है मल्टीप्लाई फोर हंड्रेड मीन्स थ्री डिजिट नंबर को फोर हंड्रेड को मल्टीप्लाई कर दो टू के साथ ठीक है साम बना कर उसको टू के साथ कर दो तो यू विल गेट आंसर इन अ मिनट आप मिनट में आंसर्स मिल जाएगा आपको लाइक फोर हंड्रेड को टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो एट हंड्रेड इट मीन्स की टोटल पैंसर इन द क्लास इज एट हंड्रेड ओके नाउ होप इट्स क्लियर टू एवरी वन ठीक है write down the uh, part 2 of exercise 4.1 and 4.2 on the notebook and part 1 of exercise 4.1 and 4.2 on the book with neat and clean handwriting and write down the digit in the proper boxes. okay? thank you to everyone. thank you to all.